दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल ठक्कर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं यूपी की एक बहुत ही स्पेशल डिश, जो कि है गाजर की कढ़ी। दोस्तों, अभी बहुत ही बढ़िया लाल लाल मीठे मीठे गाजर मिल रहे हैं, तो इसकी कढ़ी आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म राइस या रोटी के साथ भी ये बहुत ही यम्मी लगती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी मस्त लग रही है ये, एकदम टेम्पटिंग दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इस एकदम बढ़िया सी स्वादिष्ट गाजर की कढ़ी को बनाने का तरीका। तो सबसे पहले एक बड़े से बोल में हम लेंगे एक कप हल्का सा खट्टा दही, क्योंकि गाजर मीठे हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि दही जो है वो हमें हल्का सा खट्टा लेना है यहाँ पर। तो ये घर का ही जमा हुआ एक कप दही लिया है मैंने। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे एक चौथाई कप बेसन और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि एकदम बिना गांठों वाला बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा हमारा बैटर बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बारीक कटे हुए एक कप गाजर। मीडियम साइज के पीसेस में ही कट करेंगे, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। अब यहाँ पर एक भारी तले का बर्तन मैंने गरम रख दिया है और उसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो दूसरे तेल में भी इसे बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेथी दाने एक चौथाई चम्मच डाले थे, जिसका कलर चेंज होने पर मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा और दो लाल मिर्च। थोड़ी सी हींग डाल दी है और आधा चम्मच किसा हुआ अदरक डाल दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। थोड़ा सा अदरक को भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने काटे हुए गाजर रखे थे वो। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। गैस को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है इस टाइम पर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, साथ ही में हम मसाले भी ऐड कर देंगे। थोड़ी हल्दी, धनिया जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब ऐड करके गाजर को अच्छी तरह से हम एक मिनट के लिए सौते करेंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। ढक्कन ढककर मैंने एक मिनट के लिए इसे कुक होने दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चौथाई कप पानी। फिर से ढक्कन ढककर इसे कुक होने के लिए मीडियम आँच पर हम छोड़ देंगे। दो तीन मिनट हो चुकी है तो चेक कर लेते हैं। पानी पूरा सूख चुका है और गाजर जो है ये हमारे 50% कुक हो गए हैं। बस हमें इन्हें इतना ही पकाना है, बाकी का जब कढ़ी उबलेगी तो उसके साथ ये कुक हो जाएंगे। तो अब ये जो कढ़ी वाला मिश्रण था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी मुझे ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो एक कप पानी मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। और अब लो से मीडियम फ्लेम पर हमें इस कढ़ी को उबलने देना है अच्छी तरह से। कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे इसे हम। ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो गई है और हमारी जो कढ़ी है वो अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है इस टाइम पर। तो अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। पहले हमने सिर्फ गाजर के हिस्से का नमक डाला था, तो अब बाकी का नमक मैंने ऐड कर दिया है। और ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी होती जाएगी। तो बस अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पर एक दूसरा बढ़िया सा तड़का हम लगाएंगे कढ़ी पर। सरसों का तेल फिर से एक चम्मच डालकर गर्म कर लिया था, उसमें डाल दिया है आधी चम्मच जीरा और एक चम्मच कटा हुआ लहसुन। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। लाइट ब्राउन लहसुन होने पर मैंने गैस को बंद करके इसमें डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, और तुरंत ही इसे मिक्स देकर हम डाल देंगे हमारी कढ़ी में। तो ये तड़का हमने डाल दिया है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी में। एक अच्छा सा मिक्स देंगे और साथ ही में डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। ये गर्मा गर्म कढ़ी आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, अभी लाल गाजर सीजन में है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस एकदम स्वादिष्टी कढ़ी की रेसिपी को, और मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।